हे गाइस, देखो गवर्नमेंट की तरफ से सर कभी भी कोई खबर आती है ना, तो उसकी वजह से स्टॉक्स में तेजी देखने को मिलती है। सर पूछिए क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब होता क्या है कि सर यहाँ पर कि अगर कोई कंपनी सर कितने का ऑर्डर दे सकती है, अपने कैपेसिटी के हिसाब से वो ऑर्डर देगी। सर कंपनी कितनी बड़ी है छोटी है उस हिसाब से, ठीक है। लेकिन 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 सर जब सरकार ऑर्डर देती है ना, तो सर पूरे देश के लिए ऑर्डर देती है। सर तो सरकार कभी भी जब ऑर्डर देती है तो बहुत बड़ा ऑर्डर देती है। सर इस वजह से क्या होता है कि बहुत सारे कंपनियों में काफ़ी बड़ी तेजी देखने को मिल जाता है सर, बड़ी बड़ी कंपनियों में। तो खबर तो ऐसी क्या आ गई है सर, यहाँ पर देखें, कैबिनेट अप्रूव कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 करोड़ न्यू हाउस बताया जा रहा है सर, अंडर पीएम आवास। मतलब सरकार के अंडर अगर देखोगे तो लगभग इन्होंने बोला है क्या, तो लगभग न्यू हाउसेस 3 करोड़ और नए घर बनाने के लिए सर, जो भी स्कीम्स वगैरह या कोई भी सब्सिडी या कोई भी बेनिफिट समझ लो सरकार की तरफ से तो दिया जाएगा। तो सरकार यहाँ पर अगर देख लो तो सर कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है सर, कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है। अब इसकी वजह से तो लगभग सर कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो गवर्नमेंट की ही कंपनी है जिनमें तेजी देखने को मिल सकती है। ये खबर सर लगभग आज या कल ही आया है, मतलब मार्केट बंद होने के बाद ही आया है सर ये जो खबर देखने को मिल रहा है। और इसके वजह से बोला जा रहा है कि यहाँ पर देखने को मिलेगा कि भाई जो भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वगैरह देखने को मिल जाएगा, बोला जा रहा है कि 1.2 लाख इन यहाँ पर देख सकते हो बताया जा रहा है प्लेन एरिया, एंड 1.3 लाख इन यहाँ देख सकते हो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्टेट में आपको देखने को मिल जाएगा, जो हिल स्टेट वगैरह होता है ना सर वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे हिमाचल प्रदेश वगैरह उत्तराखंड आपको देखने को मिलेगा। ये सारी जगहों पर सर ये बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे और वहाँ पर ज़्यादातर घर बनाने की कोशिश की जाएगी सर। जहाँ पर सरकार बोल रही है एज पर दिस प्लान, जो भी सरकार के पास प्लान है, 2 करोड़ हाउस विल बी कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 ईयर सर, अगले 5 सालों में 2 करोड़ घर बनाया जाएगा, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट 10 करोड़ पीपल, 10 करोड़ लोगों को इससे बेनिफिट होगा सर, 10 करोड़ लोग। तो ये बताया जा रहा है कि भाई जो टोटल होगा पैसा वो 3 लाख समथिंग होगा सर, 3 लाख करोड़, जिसमें से 2 लाख करोड़ यहाँ पर, 1 लाख करोड़ यहाँ पर, ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ यहाँ इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ साथ बोला जा रहा है कि मिडिल क्लास लोगों के लिए भाई क्या है यहाँ पर 2.0 में, यहाँ पर जो लगभग जो है कैबिनेट की तरफ से बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर में बताया जा रहा है 2.0 जो देखने को मिला, अंडर विच फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा विल बी प्रोवाइडेड टू 1 करोड़ अर्बन, ये देख सकते हो, पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिली टू कंस्ट्रक्ट परचेज और रेंट हाउस एट द अफोर्डेबल कॉस्ट अर्बन, यहाँ बताया जा रहा है अर्बन एरिया इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। आप देखते हैं सरकार जिस तरीके से बोल रही है उस तरीके से अगर बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हो तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ पर बताया जा रहा है इंक्लूडिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख करोड़ सर, एंड गवर्नमेंट असिस्टेंस बताया जा रहा है 2.3 लाख करोड़ सर। तो सर उसमें जो सबसे बड़ी कंपनी है सर वो रहेगा हुडको। हुडको को सर सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा क्योंकि सर सरकार जब भी सर मतलब हाउसिंग डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देती है तो हुडको एक ऐसी कंपनी होती है जिसको सबसे बड़ा बेनिफिट मिल पाता है सर। हालांकि 2 बार जब बजट की खबर आई तो बजट की वजह से सर इस कंपनी में ही तेज़ी देखने को मिली। अब लोग बोलेंगे सर ये खबर आ रही लेकिन इसमें तेज़ी नहीं देखने को मिला। देखिए सरकार ने बोला है कि नेक्स्ट फाइव ईयर में सारा धमाका आपको देखने को मिलेगा, तो अगले 5 सालों के लिए जो भी ऐसे कंपनियों में टिका रहेगा उसको पता चल जाएगा कि भाई क्या क्या देखने को मिलता है अगले पिछले 5 सालों में। अगर देखोगे पिछले 5 सालों में तो कंपनी ने 760% का रिटर्न निकाल के दिया सर, 760% का सोच लो, तो टाइम तो लगता है। और दूसरी बड़ी खबर तो ये रहेगी सर यहाँ पर कि देखोगे ये है टॉप सुपरस्टार की होल्डिंग सर, टॉप सुपरस्टार की होल्डिंग सर, सरकार के बारे में यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ देख सकते हो, सरकार का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा का मतलब बहुत ही बड़ा है सर सरकार के पास। अब अगर यहाँ पर देखोगे तो बताया जा रहा है, यहाँ पर देखो आपको बताया जाता है कि सर सरकार ने क्या खरीदा, रिसेंटली सोल्ड, सरकार ने भी हाल फिलहाल में क्या खरीदा और हाल फिलहाल में क्या बेचा। तो सर सरकार ने 2 कंपनियों को खरीदा है, यहाँ देख सकते हो हुडको हाउसिंग, यहाँ देख सकते हो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट आपको बताया जा रहा, ठीक है। और उसके साथ साथ दूसरा IFCI और गेल, ये 3 कंपनियों में से सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और IDFC फर्स्ट बैंक में सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बेची है। तो अगर आप देखोगे तो सरकार लगभग देखोगे तो लगातार बोल रही है कि सर 3 करोड़ लोगों को घर प्रोवाइड करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, 3 लाख करोड़ रुपये खर्च करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बहुत सारी चीज़ें बड़ी बड़ी बात बोल रही है सर। और सरकार ऊपर से सर अपनी कंपनी का शेयर भी खरीदने में लगी हुई है सर, क्यों, क्योंकि सर सबसे ज़्यादा सरकार को ही बेनिफिट हो अगर ऐसा कुछ हुआ तो। और सर सरकार ने इसको लाया भी था हुडको को इसी मकसद के साथ, यहाँ देख सकते हो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सर हुडको का, टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हाउसिंग एंड द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन इंडिया, टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल द सेक्टर बताया जा रहा ऑफ सोसाइटी। तो सर इनका लाने का मुद्दा भी यही था और सरकार इस चीज़ पर ध्यान भी दे रही है,
तो हो सकता है कि आने वाले 5 सालों में कुछ अच्छा आपको देखने को मिल जाए। टेम्प्रेरी तो हो सकता है कि टेम्प्रेरी तो सर सारे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन टेम्प्रेरी को लेके नहीं चलेंगे सर, ये सब कुछ लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा सर। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपने डीमैट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में, डिलीवरी चार्जेस फ्री में, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह लगता है सर। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाकर अपना डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में सर।